यहाँ से व्यू देखिए, पूरा माउंटेन व्यू, क्या बढ़िया माउंटेन रेंज आ रही है। और मेरी शिकंजी गिराओगे मनोज भाई, है क्या अच्छा, तो मतलब स्पीड नहीं होगी स्लो, रोड थोड़ा सा अभी भी नहीं कर रहे भाई, वैसे भी ना अलाउड नहीं है। म्यूजियम है क्या ये? है आपका धनगढ़ी गेट। अच्छा, ये धनगढ़ी गेट की एंट्री है। ओ, तो भाई ये सब अंदर गए हुए? हाँ काफी, ये तो म्यूजियम वगैरह भी है ना इधर। चलो चलो चलो, निकल गए आराम से। रिजॉर्ट का रास्ता है ये, है बहुत ही बढ़िया और एकदम ढलान। अरे फिसल गई गाड़ी, फिसल पट्टी पे। यहाँ पे कोई रिजॉर्ट बन रहा है कोई नया बड़ा। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं शाह विलास की तरफ, जहाँ पे हमने अपनी बुकिंग करी है। और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, मुहान एरिया में है, मुहान गांव में पड़ता है ये। ये बोल ही रहा है, आप सुन ही रहे हो मुझे बोल ही रहे हो तुमने, और बताओ। अच्छा हाँ, पीछे भी एक ब्लॉग चल रहा है, तो मुहान गांव में पड़ता है ये, आप देख रहे हैं नीला वाला घर। ये उन भैया का ही है, क्या नाम है, दीपक शाह भैया ना, दीपक शाह भैया का घर है ये। और हमारा साथ में ही भैया ने शाह विलास बना रखा है, हम पहुंच गए। ये है शाह विलास, ये देखिए आप, बहुत ही प्यारी जगह। और ये है सामने पूरा जंगल, और यहाँ पे हमारा स्टे है, यही यही है। बोटिया तो नहीं है। कैसे भैया आप, सब बढ़िया? जो कि अभी कुछ दिन पहले हाथी तोड़ चुका है इसको भी अभी। अच्छा, जब ये पूरी नहीं है ना? नहीं, ये है वहाँ पे तकी, पर इसमें हाथी ने भी इसमें पूरा इसका पोल वोल में वायर किया था, तोड़ दिया था। अच्छा, तो उसको करंट आया होगा तो अलझी गया होगा, तो उसने नीचे गिरा के तोड़ दिया है। तो करंट तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, झटका लगता है वो फंस गया होगा ना, बारीक तार दिखती नहीं है। हाँ जी, तो एकदम से उसने तोड़ दिया गुस्से में आगे। अच्छा, तो अभी तो ख्याल कुछ नहीं है, बाकी कल इधर साइड में जो सुसाइड पॉइंट बोलते हैं, जिसमें बार बार सुसाइड पॉइंट का नाम लेते हैं, उसके नीचे कॉलिंग चल रही है। अच्छा, सुसाइड पॉइंट क्यों बोलते हैं? वैसे नाम रखा है, सबसे नीचे खाई है कौन भी। हाँ, वो बोले तो ऐसे सुसान घाट हुआ। अच्छा, कितने दूर है ये सामने? ये सामने शमशान घाट, ये रिकॉर्डिंग में तो आना चाहिए ना, पता चलना चाहिए किधर क्या क्या है। हाँ जी, हाँ मेन हाईवे रोड है। अच्छा, तो वहाँ से पूरा साफ दिखता है, वो सुसाइड पॉइंट बताते हैं। और गर्मी काफी ज्यादा है, भैया को हमने रिक्वेस्ट करा था खाना बना दीजिए, भैया भूख लग रही है। आ जाओ, ये भैया का यहाँ का पेट। नमस्कार भैया, ये वाला रूम है क्या, इधर ही आए क्या, कहाँ है, किधर गए हैं? अच्छा अच्छा, एक रूम ये वाला है अपना। अच्छा, यहाँ से बालकनी है। तो ये बालकनी प्राइवेट, मतलब सिर्फ इसी रूम के लिए है, कोई भी आ सकता है? दो रूम के लिए। अच्छा, ये दोनों हमारे रूम है, तो बिल्कुल फ्रंट वाला रूम मिला। कुछ है टाइगर ही नहीं, पता नहीं कितने कितने कहाँ कहाँ रुक गए, हमें था इस बार की थोड़ा एडवेंचर करे, थोड़ा नेचर का। ये रिजॉर्ट में रुकना, फाइव स्टार रुकना हो गया बहुत, थोड़ा सा हाँ, वो तो लग, हाँ बिल्कुल, जब उसका मन करेगा, जब उसका कॉलिंग होगी तो उसमें हम सिर्फ उसको फील और सुन सकते हैं। टाइगर नहीं देख सकते, पता नहीं चलेगा किधर है। टाइगर हम तभी देख सकते हैं जब यहाँ पे सामने आएगा, जैसे कि पहले टाइगर कंटिन्यू आ रहा था, जाड़ों के टाइम में सबसे ज्यादा टाइगर आता है। अच्छा, सितंबर अक्टूबर नवम्बर बहुत सारी गायें छोड़ी हुई है बाहर से, जो लाल आके छोड़ रखी है, तो अब क्या होगा, उनको जगह तो रहने के लिए जंगल में भटकेंगी, तो हम पहुंच चुके हैं शाह विलास। और अभी भैया से बात भी कर ली है, शाह विलास के ओनर से, दीपक शाह भैया से, बाकी उन्होंने दो तीन चीजें बताई हैं जो हम कर सकते हैं, रिवर साइड जाके नहा सकते हैं, पर गर्मी बहुत ज्यादा है, हालत नहीं है बाहर निकलने की। रूम का एसी ऑन करके छोड़ा हुआ है, थोड़ी देर में ठंडा होगा तो फिर वापस जाके बैठेंगे। और अभी लंच हमारा तैयार हो गया, वो खाते पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, आज का सीन क्या रहेगा। और मैं दिखाता हूँ आपको सामने का व्यू,
आप ये एक बार सामने का व्यू देखिए, पूरा सामने का जंगल एरिया है। और अगर कभी भी कॉलिंग हुई, कुछ भी हुआ, हिरन को दिखा, सांबर डियर को दिखा, लंगूर को दिखा, तो कॉलिंग करेंगे करेंगे, तो पता नहीं किस टाइम होगी। वो तो लक पे डिपेंड करता है कि टाइगर मूवमेंट होगी आसपास तो दिख जाएगा। रात को हुई कॉलिंग तो बहुत मुश्किल है देखने के लिए, लेकिन विल ट्राई आर बेस्ट कि दिखे, क्योंकि एरिया बहुत ही प्यारा है। एंड दैट टू इन मोहन विलेज, जहाँ पे पिछले 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा टाइगर की मूवमेंट है। और ये पूरा जंगल एरिया है अपना सारा। और सामने ये जो आपको रोड दिख रहा जाते हुए, ये सीधा रिवर की तरफ, कोसी रिवर की तरफ जा रहा है। अपनी गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं, वैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे तो नहीं, मतलब ठीक है, नॉर्मली इफ़ यू वांट टू वॉक यू कैन डू दैट एज वेल, बट रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोग बोल रहे हैं कि जितना हो सके ग्रुप में रहिए और गाड़ी में जाइए तो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ का पता नहीं है क्या कब हो जाए। सीन कुछ ऐसा है कि अभी आ गए हम ऊपर से अपने रूम से नीचे, और इलेक्ट्रिक फेंसिंग आप देखिए सारी टूटी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी पास से जाके, ज़्यादा पास तो नहीं जाऊंगा, यहीं से दिखाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली भी बताया था कि बिल्कुल इधर ही सामने यहाँ पे ही बाघ आ जाता है, तो बहुत ही रिस्की है। प्लस सामने बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि कृपया पैदल ना चले रात को, कुछ दिक्कत नहीं है ऐसे कभी भी, कृपया पैदल ना चले तो ना चले, जंगल का नियम ऐसा है, कहानी तो सुन। ये पेड़ बिल्कुल सूखे पड़े हैं, मे बी गर्मी की वजह से, लेकिन अभी तो स्प्रिंग सीजन था, तो ये बिल्कुल खाली है। देखिए ये देखिए आप, ये हाथी ने ये क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग तोड़े हुए, और ये हाथी का ही है, ये पूरा टूटा हुआ है। ये जहां खड़े थे जो ये हाथी ने तोड़ा हुआ है, ये जो पीछे फेंसिंग, अच्छा तो यहीं पे दिखा था 6-7 दिन पहले टाइगर भी, अच्छा अच्छा यहीं दिखा था सामने फॉरेस्ट वालों को। तो अभी जहाँ पे हम घूम के आए इधर ही, तो यहाँ पे जो लोकल हैं अपने, इनका है रिजॉर्ट वगैरह, तो उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट वालों को बिल्कुल यहीं पे टाइगर दिखा था 6-7 दिन पहले। और सबसे ख़तरनाक चीज़ तो ये है कि जिस रिजॉर्ट में अभी हम रुके हैं शाविला, उसके सामने ही बिल्कुल जो सबसे फर्स्ट किल हुआ था मोहन में, वो यहीं हुआ था। चलो नवीन भाई का वेट कर रहे थे बहुत देर से, नवीन भाई आ गए, अब हम चलते हैं। ओके नवीन भाई साहब कहाँ गए? नवीन भाई आइए, आपका ना बहुत देर से वेट हो रहा था, काफी देर से। भैया को आगे बिठा देते हैं ना, गाड़ी में जाना है। और क्या खोलना मनोज भैया,